नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए हैं न्यूज पीआर के साथ। स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज होगी बात बिहार के मन में क्या चल रहा है। सवाले बहुत चल रहे हैं कि नीतीश के बाद बिहार का राजगद्दी कौन संभालेगा। कई लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश के बाद बिहार की राजगद्दी आखिर कौन संभालेगा, किसके जिम्मे होगी। विपक्ष अगर बात की जाए, लालू प्रसाद यादव बिहार के क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ा। लालू यादव तो अपने बेटे को तेजस्वी यादव को मैदान में उतारा। तेजस्वी यादव के बारे में अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव पहले क्रिकेट में अपना किस्मत आजमा रहे थे, उसके बाद राजनीति में तेजस्वी यादव की एंट्री होती है और देखते ही देखते तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब बात किया जाए जदयू, बिहार में जदयू की अगर बात किया जाए तो 2025 का विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार एनडीए बीजेपी के साथ, यानी एनडीए गठबंधन के तौर पर 2025 का चुनाव विधानसभा का सीएम नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार के लिए होंगे। अब देखिए खबरें जो चल रही थी, निशांत एकाएक सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम कहाँ से आया। देखिए कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री यानी ग्रैंड एंट्री होने वाली है बिहार की राजनीति में, यानी बिहार की पॉलिटिक्स में निशांत की क्या एंट्री होगी। निशांत पहले से ही राजनीति से निशांत दूरी बनाए हुए रखे हुए हैं खुद को। निशांत खुद मीडिया के सामने नहीं आते हैं, निशांत किताबें लिखने में माहिर है, निशांत मीडिया से कभी भी उनकी दिलचस्पी नहीं रही है। पिता के साथ वो कभी किसी कार्यक्रम में भी नहीं देखे गए हैं। अब ऐसे स्थिति में कहा जा रहा है कि नीतीश की राजगद्दी क्या निशांत संभालेंगे, क्या उनका बेटा राजपाट को संभालेंगे। देखिए लोग जानना चाह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बाद आखिर बिहार का सीएम कौन होगा। एक तो चलिए विपक्ष जो सीएम नीतीश कुमार दो दो बार साथ दे दिए, लालू यादव का तो डिप्टी सीएम दोनों बार तेजस्वी यादव बन गए, लेकिन है 2025 के बाद मुद्दा अगर गर्म होती है। देखिए तमाम तरह की बातें और चर्चाएं, देखिए साफ तौर से है कि जदयू का आखिर बागडोर कौन संभालेगा। सीएम नीतीश कुमार एक बात और कहते हुए आए हैं शुरू से कि परिवारवाद, सीएम नीतीश कुमार कई बार बयान दिए कि परिवारवाद के चक्कर में जदयू पार्टी नहीं रहती है। सीएम नीतीश कुमार परिवारवाद को कभी आगे नहीं बढ़ाते हैं। लालू यादव पे निशाना साधते हुए उन्होंने यह बयान दिया था कि दो दो बेटी चुनावी मैदान में, दो दो बेटा मंत्री, एक डिप्टी सीएम, तमाम तरह की बातें लालू प्रसाद यादव को लेकर, परिवारवाद को लेकर सीएम नीतीश कुमार हमेशा से कोसते हुए हैं। तो क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे अगर विरासत को संभालते हैं तो क्या इस परिवारवाद के चर्चाओं से सीएम नीतीश कुमार को झेलना होगा। तमाम तरह की खबरें चल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो बाजार गर्म है कि निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में ग्रैंड एंट्री हो सकती है, तो क्या नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से किंग मेकर का रोल निभाते हुए आए पर्दे के पीछे से, और तेजस्वी यादव फ्रंट पर आकर बैटिंग करते हैं, और बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने अपना लोकप्रिय नेता बने हैं लोगों के बीच में, अब क्या उसी तरीके से क्या नीतीश टक्कर देने के लिए, तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए क्या निशांत जैसे हथियार बिहार की राजनीति में, जो कहा जाता है कि बेटे अगर आमने सामने बिहार के दो युवा आगे होते हैं तो एक सीएम नीतीश कुमार जो कि लॉ एंड ऑर्डर से कभी समझौता नहीं किए हैं, एक तेजस्वी यादव के लिए निभा रहे। वही चर्चाएं और वही दौर शुरू है कि क्या बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में निशांत कुमार राजगद्दी को संभालेंगे, और संभालेंगे तो किस तरीके से। नीतीश के खास, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के खास हमेशा साथ रहने वाले ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की बेटी इस बार रामविलास की पार्टी चिराग पासवान ने टिकट दिया, समस्तीपुर से संभावी चौधरी कम उम्र की सांसद बनी। सीएम नीतीश कुमार क्या यही फैसला लेंगे बिहार की राजगद्दी संभालने के लिए, क्या सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे को चुनावी मैदान में तेजस्वी के खिलाफ उतार सकते हैं। आने वाले समय में क्या राजपाट निशांत के हाथों में होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बाजार गर्म है।